मुसलमान नामक प्रजाति जो आज विश्व में हम देख रहे हैं, उसका मूल उद्गम स्थल अरब के जाहिल कबीले हैं, वहीं से निकले हुए हैं। जाहिल कबीले कुछ लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल जाहिल कबीले थे। एक घटना आपको सुनाता हूं। 600 ईस्वी में बसुस नामक स्थान पर अरब के दो कबीलों में युद्ध हुआ। उस समय मोहम्मद की आयु लगभग 30 वर्ष थी। वहां पर कबीले हुआ करते थे। युद्ध किस कारण को लेकर हुआ, युद्ध का क्या कारण था, यह आपको जानकर हैरानी होगी। बनु बकर कबीले के एक युवक ने बनु तगलीब नामक कबीले के एक ऊंट को घायल कर दिया। 40 वर्ष तक युद्ध लड़ा गया और अनेकों लोग मारे गए दोनों कबीलों के। आप हैरान जरूर हुए होंगे, खैर समझ गए होंगे कि ऊंट का कितना महत्व अरब के देशों में है। क्यों है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन मोहम्मद ने ऊंट के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया अरब में। वो भी कुरैश नामक कबीले में पैदा हुआ था, तो ऊंट का महत्व वहां था ही। लेकिन जब से मोहम्मद ने ऊंट के मूत को पीना शुरू किया और नए नए मुसलमान जो बन रहे थे उनको भी पिलाना शुरू किया, तब से ऊंट का महत्व वहां और ज्यादा बढ़ गया। मुसलमानों ने और ज्यादा ऊंट को महत्व देना शुरू कर दिया। कुछ लोग कह रहे होंगे, राहुल आर्य झूठ बोल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, मोहम्मद कभी ऊंट का दूध ना पीता था ना पिलाता था, किसी को कुछ नहीं कहा। सही बुखारी हदीस मेरे पास है 12:23 और इसकी हदीस नंबर 5686, पढ़ना आप। सीधा सीधा लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थात नबी करीम अर्थात मोहम्मद साहब के पास कुछ लोग मदीना में मिलने के लिए आए, तो मदीना की जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं थी। तो मोहम्मद साहब ने कहा, जाओ मेरे ऊँटों के रेवड़ में जाओ और ऊँटों का दूध और मूत पीकर आओ। सीधा सीधा लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से आप पढ़ लेना। तो मैंने ये अब यहाँ से कोट की तो कुछ मुसलमान निकल कर आएंगे, कहेंगे मोहम्मद साहब चिकित्सक थे तो उन्होंने उनको ठीक करने के लिए, उनकी चिकित्सा करने के लिए उनको ऊँट का मूत पिला दिया। देखिए पहली बात तो ये, वो बीमार नहीं थे, केवल जलवायु परिवर्तन हुआ था, तो वो वहाँ आए तो कहा जाकर मूत पियाओ। खैर कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं मोहम्मद बहुत बड़ा चिकित्सक था। यहाँ पर ये बात इंक्लूड करनी चाहिए थी, यदि ये चिकित्सक था, कि ऊँट का मूत्र इतना पीना है, इतना पीना है या इतना पीना है, या एक बाल्टी भर के पीना है या एक बूंद पीना है, कितना पीना है, बताना चाहिए था, मात्रा बतानी चाहिए थी। खैर इनको कहाँ मालूम है, जाहिल कबीलों में पैदा हुए लोगों को ऐसे ही जाहिलात की बातें आती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बताना चाहिए था कि किस बीमारी में ऊंट का मूत्र पीना चाहिए, वो भी नहीं बताया। यहाँ एक घटना आ गई, उसमें चिकित्सक बना दिया। खैर कोई बात नहीं भैया, ऐसा हो जाता है कई बार डॉक्टर के साथ। अब दूध तो ठीक है, लेकिन मूत्र एक गर्भवती ऊँटनी का पी सकते हैं क्या? साथ में जेर आ गई तो गई अंदर, क्या होगा मुसलमानों का? कल्पना कीजिए कि गर्भवती ऊँटनी का यदि पी लिया तो क्या हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, किसी ऊँट को पीलिया हो गया हो और पीलिया होने के बाद लीवर आदि काम नहीं कर रहा हो और उसका यदि मूत्र पिया हो किसी मुसलमान ने, तो भैया एक बार एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। खैर कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पता तो लगता है कि ये झोला छाप व्यक्ति तो थे। एक घटना द्वारा समझाता हूँ कैसे झोला छाप और अंधों में काने राजे थे। एक गांव था, गांव में सारे मूर्ख लोग रहते थे। उस गांव का एक महापंडित महाविद्वान रहता था उस गांव में, उसका नाम था लाल भुजक्कड़। सारे गाँव वाले उसकी बात मानते थे, उसको बड़ा पंडित मानते थे। एक रात उस गाँव से राजा की सवारी निकल गई। अब गांव वाले मूर्ख, धरातल के मैदानी इलाकों में गांव था, उन्होंने हाथी आदि ऐसे देखे नहीं थे, तो हाथी की सवारी वहां से निकली, बड़े बड़े पैरों के निशान हाथी के खेतों में से और रास्ते पे से हो गए। सुबह सुबह सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए, ये क्या गुजर गया गांव से, गांव पर कोई संकट आने वाला है, महाराज जी को बुलाओ। लाल भुजक्कड़ को बुलाया गया, कहा महाराज जी बचा लीजिए, क्या है ये, क्या निकल गया गांव से। तो लाल भुजक्कड़ ने थोड़ी देर देखा और फिर हंसने लग गया, थोड़ी देर बाद रोने लग गया। गांव वालों ने पूछा क्या समस्या है महाराज जी बताइए। बोला मैं हंसा इसलिए कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के जो उत्तर है मेरे को देने पड़ते हैं, किसी को पता ही नहीं है, सबके सब मूर्ख हैं, और मैं रोया इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन तुमको इन सारे चीज़ों के उत्तर देगा। कहा महाराज अब बता दीजिए क्या हो गया ऐसा। कहा लाल भुजक्कड़ बूझया और ना बूझा कोई, पग में चक्की बांध कर कोई हिरण कूदा होए। लाल भुजक्कड़ ने कहा कि मेरे को पता चल गया और किसी को नहीं पता ये क्या चीज है। उसने कहा हिरण यहाँ से गए हैं पैरों में चक्की बांध करके, उछल उछल कर निकल गए, तो उस चक्की के जो पार्ट हैं
उसी के निशान रह गए। तो इससे पता लग गया होगा कि अंधों में काना राजा जो होता है वो कैसे होते हैं। ऐसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लीजिए, दोनों घटनाओं में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पता चलेगा बिल्कुल समान है दोनों घटनाएं। खैर इतना ही नहीं, ऊंट का महत्व एक कारण से और है, वहां पर पानी आदि नहीं होता था अरब में, तो जब वो प्यासे मरते थे तो ऊंट को ही गला चीर करके और खून पी लेते थे ऊंट का। कुछ लोगों को मेरी बात बड़ी गलत लग रही होगी, खैर कोई बात नहीं। इफ यू वॉन्ट टू नो द एविडेंस, द प्रॉपर एविडेंस ऑफ माई सेइंग्स फ्रॉम योर ओन आइज, यू शुड वॉच द ब्लैक गोल्ड मूवी। ये मूवी जो है ये जरूर देखनी चाहिए, पता लगेगा कैसे उन्हीं ऊँटों पर सवारी करते थे, उन्हीं का खून पी लेते थे और सारा काम उन्हीं ऊँटों से कर लेते थे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करो जितना हो सके, हर हिंदू के घर तक, हर मुसलमान, हर ईसाई, हर आर्य, हर भारतीय के घर तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगे जो गौमूत्र को लेकर के गलत बयानबाजी कर रहे। 6-6 पेटेंट जिस गौमूत्र पर लिए गए पूरे दुनिया में, बड़े बड़े रोग ठीक किए जा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता ऐसी नहीं होती, उस पर रिसर्च हुई है, किस व्यक्ति को लेना, कितनी मात्रा में लेना, किस बीमारी में लेना, ये सारी की सारी हमारी परंपराएं पहले से रही है। खैर कोई बात नहीं, मेरी ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत गहराई से पता चलेगा। ये वीडियो हर व्यक्ति तक शेयर करिए, पता लगेगा कि किस प्रकार से जाहिल परंपरा, जाहिलात लोगों की परंपराएं इस राष्ट्र और इस दुनिया में चल रही है, और ठीक परंपराओं को, मानवता की भलाई के लिए जो परंपराएं हैं उन पर आघात किया जा रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते जी।